यहाँ पे खाना है डोनर कबाब, जबिश डोनर कबाब, यहाँ पे बहुत फेमस कबाब। ट्राई करके देखते हैं, छोटा सा क्यूट सा रेस्टोरेंट है, ये सस्ता है, $7 एवरीथिंग, हर चीज़ डॉलर में मिल रहा है। तो ये होटल दिखाती हूँ, क्यूट सा छोटा सा ये मिड सिटी में ही है, फ्लाडा टावर के बिल्कुल अपोजिट। क्यूट सा इसका नाम टर्किश में है तो इसलिए मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, अभी लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, बहुत कम। तो अभी हमने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था और साथ हमने इनका पेट ये ओपन करना हुआ, हवा से अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा हो गया, शुगर तो नहीं है, ये मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है, शुगर तो नहीं डाली, ये पी के देखो। बहुत खाते हैं हर चीज़ के साथ, ब्रेड 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 ब्रेड, ब्रदर आइस आइस एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना, वो मेरे लिए ये छोटी छोटी सी मज़े की चीज, तेरे तो मज़े लग गया, बहुत मज़े किए थे, अच्छा और से ज़्यादा आगे मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसे, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, उनकी ब्रेड भी मैंने ट्राई की है, ब्रेड थोड़ी हार्ड है, साथ ही फ्राइज़ है, फ्राइज जो है वो मेरे फेवरेट है, सीधे हाथ से हाथ देखती हूँ कैसा है, कैसा है, चिकन है डोनर के बाद, और नीचे राइस है, बेस्ट है, स्पेशली मेरे लिए स्पाइसी सी चीज़ें लेके आई, तो मैंने को बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना, सो डू नो वेल कैसे बहुत मज़े का। अभी हम यहाँ पे खड़े खाना खाने के बाद वेट कर रहे हैं टैक्सी करने के लिए, यहाँ पर कोई ऊबर नहीं मिल रहा है, मौसम तो बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, ऊबर का वेट कर रहा है, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा से पानी लिया हमने, तो चलते आगे। हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है, काफी लोग हैं, बहुत रश है, रखे भी दोपहर का टाइम है, मतलब यहाँ पे काफी धूप है, फिर भी बहुत रश है, हवा चल रही है, शुक्र अच्छा मौसम है, हम कहाँ जाएं,
अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कुछ, अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही सच में यहाँ के रास्ते से। मलेशिया का मैं एक दिन समझ आ गई थी, पता नहीं इस्तांबुल में इतना रश है, इतना ज़्यादा क्राउड है, मैं यहाँ पे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा टाइम लगेगा। तो अभी हमने दोबारा टैक्सी करवाई है, अब हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार। यहाँ से इतना रश है, मतलब हमने सोचा ग्रैंड बाज़ार चलते हैं, फिर रात को दोबारा यहाँ आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं तुर्की के एक शॉप है डिफॉक्टो, जो यहाँ पे ये लाहौर में भी है, यहाँ पे काफ़ी कुछ वैरायटी है। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं अपने लिए, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो देखते हैं वो क्या लेते हैं, वो देख रहे हैं। मैं तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पसंद, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी है। तो बस बाकी मुझे अपने लिए कुछ टिप्स। ग्रैंड बाज़ार आ चुके हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ओ माय गॉड। अभी हम इंटर हुए हैं, लेकिन जल्दी आए सर अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऐसे लगे कि काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो या तो आपको मेरी आवाज़ कम ही आएगी, इसलिए मैं बोलूँगी कम ज़्यादा। तो हम मार्केट के ग्रैंड बाज़ार के मेन मार्केट के अंदर आ चुके हैं, वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत बड़ी मार्केट है, समझ नहीं आ रही है कहाँ जाएं। मेरी भी पिक्स ले लें। ज़्यादा घूम गए कि हम फंस गए, हमें समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा बाजार है, तो हम वापस कहाँ से निकले। अभी हम ग्रैंड बाज़ार के बाहर मौसम के बाहर बैठे हैं, इतना अच्छा मौसम है, इतनी ठंडी हवा आ रही है, हम थक गए थे थोड़े दिन बैठे, अभी इतनी अच्छी हवा थी, हम यहीं बैठ गए। अभी हम सोच रहे हैं डोनर चिकन डोनर ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद फ्रेश होकर दोबारा लिखने।
बारिश हो गई, बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा। मुझे अपना रूम नंबर भूल गया क्या था, भाई बारिश हो रही है काफ़ी, अच्छा मौसम है, सब हम फ्रेश होकर तुम्हारा डिनर के लिए जाते हैं। हेलो, हम जा रहे हैं खाना खाने, हम यहाँ पे नींद बजने वाले हैं, इसलिए जैसे 8:30 हो चुके हैं अभी तक, इतनी रोशनियाँ लगी नहीं रही थी, अभी रात हो गई और फुल इतना ही अभी रश भी कम हुआ है, पहले से पहले बहुत ज़्यादा था और बारिश अभी थोड़ी देर पड़ रही है, जब वापस आ रहे थे तब बारिश हो रही थी। अब हम डिनर करने जा रहे हैं, यहाँ का जो चिकन डोनर फेमस है वो ट्राई करें। इस होटल में आए, इसकी वाइब्स चेक करें, टर्किश डोनर की यहाँ के काफ़ी अच्छे रिव्यूज दिए हुए थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे चलते हैं और मुझे यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे छोटा सा है लेकिन क्यूट सा मैंने डेकोरेट कर चुकी हूँ, और अभी हम चूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा खाना, मैं आपको खा कर बताऊँगी। ये सामने का व्यू है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, बहुत रश होता है, तो हमें काफ़ी मुश्किल से मिला, लेकिन जब हम शुक्र आए हैं, पहले हम आए थे तो हमें कोई जगह नहीं मिली, अब हम दोबारा आए हैं तो शुक्र अब जो है वो आहिस्ते आहिस्ते लोग जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो हमें जगह मिली, खा के भी जाते हैं। ऑर्डर किया था, हमारा खाना आ चुका है और ये है लबान, लबान आई थिंक जिसको लस्सी विद योगर्ट को बोल रहे हैं, एंड ये है सैलेड विद लेमन, ये अनियन, ये स्वीट पोटैटो स्मैश, ये है इनकी स्पेशली होती है चटनी दो टाइप्स की, टमाटो वाली एयर की, अगेन सैलेड, ट्राई करके देखते हैं कैसे। चपातीज है, चाय से गरम है, कैसा है खा के बता। ये बहुत मज़े का और इतना अच्छे से उन्होंने कुक किया हुआ, पता ही नहीं चल रहा कि ये मटन है लैम है, बहुत मज़े का खाना, वेल डन। ऐसा लगा ये वाला आपको कबाब, ये बेस्ट कबाब है, जूसी टेस्टी, दुनिया में इससे ऊपर कबाब नहीं हो सकता, सीरियसली वाकई बहुत मज़े का, मुझे भी आज तक इतना अच्छा मटन कबाब नहीं अच्छा लगा, हमारे दुनिया के सारे कबाब खाए पूरी दुनिया गए हैं ना, नहीं वैसे सीरियसली बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा।